दोनों का विनाश अपने आप होने वाला है और अच्छे कार्यों में आप खर्च करेंगे। इस प्रकार से गुरुदेव का अच्छा फल दिखने वाला है। और वृश्चिक राशि वालों के तीसरे शनिदेव आ चुके हैं, जो बकरी चल रहे थे वो एक तारीख से मार्गी हो गए हैं। अब वृश्चिक राशि वालों को बल्ले बल्ले समय है, बहुत अच्छा समय है। तीसरा शनि होने से आपके सभी कार्यों में साधक बनेंगे और वृश्चिक राशि वाले आप बिल्कुल निश्चिंतता से अपने जीवन निर्वाह करें, क्योंकि इस समय आपका भरपूर मंगलमय समय आ चुका है। अभी तक एक तारीख से आपका समय आ गया है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन पंचम स्थान पर मंगल चल रहे हैं। चार तारीख से जो बकरी से मार्गी हो जाने वाले हैं, तो मंगल देव पांचवें स्थान पर जब जाएंगे तो बड़े भाई बहनों को थोड़ा कष्टकारक जरूर रहेंगे भाई, लेकिन संतान जीवन के लिए बहुत उत्तम फलदायक रहेंगे और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। और मंगल देव के साथ साथ में राहु देव आपके वृश्चिक राशि वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृक्ष 5 और 2 7 सप्तम भाव में राहु आ रहे हैं, इसलिए पत्नी का थोड़ा स्वभाव बिगड़ सकता है, वो मायके चली जाएगी अथवा किसी प्रकार का विरोध हो सकता है। इसलिए पत्नी से जरूर जसो ननुनय करके आप सावधानी रखें, प्रेम संबंध बनाए रखें, अन्यथा बड़ी हानि हो सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़े, स्वभाव बिगड़े अथवा विरोध हो, वियोग हो, कुछ भी हो सकता है, अचानक ऐसी स्थिति बन सकती है। इस प्रकार आज जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं, कल को किस समय होगी, चंद्रदेव और सूर्यदेव जब ये सब कराने वाले होते हैं, सूर्य आदि 9 ग्रह जो है तो ग्रहों की स्थिति जब परिवर्तन होती है तो हमारे स्वभाव में, स्वरूप में और अपने सारे व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार से जो है तो सप्तम स्थान पर जब राहु आते हैं तो पत्नी पीड़ा बनाते हैं और यह पति पीड़ा बनाते हैं। स्त्रियों के लिए पति पीड़ा होगी, पुरुषों के लिए पत्नी पीड़ा होगी, इस प्रकार की स्थिति निर्वाह हो सकती है। साथ साथ में केतु देव आपकी राशि से जैसो कहा आपकी वृश्चिक राशि से केतु देव जो है छठ में हैं, इसलिए छठ में उत्तम फलदायक बनेंगे। साथ साथ में सूर्य देव आपकी वृश्चिक राशि से एकादश सर्वलाभम यानी 16 अक्टूबर से सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव पे आ रहे हैं और 11वें भाव पे आते ही आपके प्रदत्त शासन से जुड़े हुए कार्य आपके सुधर जाएंगे, जो बिगड़े हुए कार्य वो सुधर जाएंगे। साथ साथ में अनेक स्रोतों से सरकार के द्वारा लाभ होगा और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए शासन पक्ष में एक अच्छी सफलता मिलने के संयोग बन रहे हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के स्वामी जो मंगल हैं वो मंगल का खास ध्यान रखना है। मंगल आपके चौथे हैं, वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन पांचवें स्थान पर मंगल चल रहे हैं, तो पांचम स्थान पर जब मंगल चल रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अपव्यय कराने वाले हैं और बड़े भाई बहनों के लिए थोड़े कष्टप्रद होने वाले हैं। इस प्रकार से मंगलदेव का फल बताया। और जो है सो चंद्रदेव कैसे रहेंगे, चंद्रदेव अष्टम राशि से आपकी राशि वृश्चिक से राशि जो है सो वृश्चिक से जो है सो छठवें स्थान पर चंद्रदेव आ रहे हैं, इसलिए चंद्रदेव 4 और 5 तारीख को थोड़े कष्टप्रद रहेंगे, लेकिन 6 और 7 तारीख को बहुत उत्तम फलदायक रहेंगे। 8 और 9 को भी अच्छा फल देंगे और 10 तारीख को भी अच्छा फल देने वाले हैं। केवल 2 दिन ही आपको शांत रहना है, उसके बाद उत्तम फलदायक रहेंगे। मंगल कामना करता हूँ कि वृश्चिक राशि हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, ये पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौजन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।